बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.3 स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 12.3 में कहा गया है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड बाइसेक्टर्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। साइड बाइसेक्टर कैसे कहते हैं? साइड बाइसेक्टर कहते हैं कि अगर ये साइड है फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल की, तो इस साइड का जो बिल्कुल मिड होगा उधर से एक लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसे ऐसे तरीके से मिड से लाइन ड्रॉ करें कि इधर एंगल भी 90 बनता हो। इस साइड की बात करते हैं, इस साइड के मिड से एक लाइन ऐसे तरीके से ड्रॉ करें कि इधर एंगल 90 बन जाए। जरा इस साइड के मिड से एक लाइन ऐसे तरीके से ड्रॉ करें कि एंगल 90 बनता हो, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये हमने प्रूव करना है। गिवन में हमें सिर्फ एक ट्राइंगल दी गई है, बाकी राइट बाइसेक्टर्स हमने खुद ही प्रूव करने हैं। प्रूफ क्या करना है कि राइट बाइसेक्टर्स ए बी का राइट बाइसेक्टर इस तरह से होगा, बी सी का इस तरह से होगा, और ए सी का जो इस तरह से आएगा, ये तीनों आपस में एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे ए बी और बी सी का, इस साइड का और इस साइड का ड्रा करेंगे। इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा नहीं करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि इस साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो भी पॉइंट ओ पे जाता है, यानी जिस पॉइंट पे ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स मिल रहे होंगे। पहले ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये ए बी का मिड पॉइंट बनता है यहाँ से, ऐसे इधर 90 का एंगल बन रहा है, ड्रा किया। ये वैसे काफ़ी लंबा होता है, जितना मर्जी इसे आगे ले लें, लेकिन फिलहाल इसे इधर छोड़ देते हैं। बी सी का ये मिड पॉइंट बनता है, यहाँ से 90 के एंगल पे इस तरह से एक लाइन बनी, ये थोड़ा तिरछा बनता है ऐसे, 90 के एंगल पे ऐसे आ रही है। ये इधर जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम ओ रख दिया। ड्रॉ द राइट सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी का राइट सेक्टर ड्रा किया, बी सी का ड्रा किया, और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसका नाम ओ है। अगला काम क्या करना है, ओ को ए बी सी तीनों एंड पॉइंट से सिंपली बस मिला देना ऐसे ऐसे। ओ को ए बी और सी से मिला दिया। अब इस थ्योरम को करना कैसे, इसको ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। राइट बाइसेक्टर का क्या होता है, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका राइट बाइसेक्टर ये है, इसके राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, लाइक अगर ये पॉइंट है वो इधर और इधर बराबर फासले पे होगा, तो इसका नाम है, ये एक राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ है, ओ ए से और बी से बराबर फासले पे, क्योंकि ए बी का राइट बाइसेक्टर ये है। ए बी के राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लें, इधर से इधर से इधर से, या फिर चाहे ओ ही क्यों ना हो, वो ओ ए से और बी से बराबर फासले पे होगा। इधर कोई पॉइंट ले लो वो भी ए से बी से बराबर फासले पे होगा, हमें ओ से ही गर्ज है। ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे। फिर इस साइड की बात करेंगे, इसका राइट बाइसेक्टर ये ड्रा किया हुआ है, इसका कोई भी पॉइंट ले लें वो बी से और सी से बराबर फासले पे होगा। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी ओ भी हो सकता है, ओ बी से और ओ सी से बराबर फासले पे होगा। ओ तो ए से भी बराबर फासले पे था, बी से भी और सी से भी, यानी ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के, और ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, तो ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट है, मतलब पता चला कि ओ ऐसा पॉइंट है, अगर इस साइड की बात करें ए सी की, एक ऐसा पॉइंट जो इधर से और इधर से बराबर फासले पे होगा, तो क्या वो इस साइड के राइट बाइसेक्टर पे नहीं होगा? पहले बात की थी कि ये जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर पे इसके और इससे बराबर फासले पे भी है। अभी सिर्फ इतनी बात की कि बराबर फासले पे है ए से और सी से, तो अगली बात कि वो राइट बाइसेक्टर पे वो खुद ही पता चलेगी, यानी इधर जो राइट बाइसेक्टर बनेगा ये ए ये सी, ए सी का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो सीधा उस पर ही लाइक कर रहा है। अब ये जो राइट बाइसेक्टर है और ये राइट बाइसेक्टर, ये तो हमें पता था कि ये पॉइंट ओ पे ज्वाइन करते हैं। अब तीसरा जो राइट बाइसेक्टर है वो भी पॉइंट ओ को ज्वाइन करता है, ये हमें अभी पता चला, क्योंकि ओ ए और ओ सी आपस में बराबर फासले पे थे। मतलब पता चला कि तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक ट्रायंगल के एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, वो पॉइंट हमारे वाले थ्योरम में ओ है। तो तीनों अगर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, और ये चीज़ हमें प्रूव करने की। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ में सबसे पहले ये लिखेंगे कि ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के, क्योंकि ओ राइट बाई सेक्टर पे है ए बी का। ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, ओ इज ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ बी के क्यों है, क्योंकि ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर पे, राइट बाई सेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो वो एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होता है, इस वजह से ओ भी पॉइंट है जो कि राइट बाई सेक्टर पे है, तो वो भी ए और बी से बराबर फासले पे होगा। ए और बी से जब बराबर फासले पे होगा तो ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस बराबर होगा, पहली चीज़ लिख ली। अब सेम इसी तरह बी सी का राइट बाई सेक्टर ये है, तो ओ बी से और सी से बराबर फासले पे है, ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। इसकी यही सेम रीज़न है, इसको वन कह लेते हैं और इसकी रीज़न लिख लेते हैं एज इन वन, कि जो रीज़न वन में पेश की वो सेम टू सेम रीज़न इधर भी। अब अगर ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रेंट है और ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रेंट है, तो ए ओ ए भी तो ओ सी के कॉन्ग्रेंट है, इसे टू कहेंगे और वन और टू से फ्रॉम वन एंड टू एक बात कहेंगे कि ओ ए और ओ सी भी तो आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ओ ए भी ओ बी के कॉन्ग्रेंट है, ओ सी भी ओ बी के कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रेंट हुए ओ ए और ओ सी। अब अगर ओ ए और ओ सी आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी ये जो पॉइंट ओ है उसका ए से फासला और ओ का सी से फासला बराबर है, तो ये ओ ए सी के राइट बाई सेक्टर पे लिखेंगे। ओ इज इसे थ्री कह लेते हैं क्योंकि इसमें इधर यूज होना है, ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ओ सी, सॉरी ए सी, ओ राइट बाई सेक्टर पे है ए सी के। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ओ का ए से और सी से जो कि एंड पॉइंट से ए सी के बराबर फासला है, बराबर फासला है, ये किधर पता चला, थ्री में, फ्रॉम थ्री से पता चला। अब एक राइट बाई सेक्टर ये था साइड ए बी का, वो उसका एक पॉइंट ओ है, और एक राइट बाई सेक्टर था बी सी का, उसका पॉइंट भी ओ है, यानी इन दोनों का तो ओ ही है पॉइंट। अब एक तीसरा राइट बाई सेक्टर है ये, उसका पॉइंट भी ओ ही है, तीनों का अगर राइट बाई सेक्टर का, राइट बाई सेक्टर्स का एक पॉइंट का नाम ओ है, ओ एक ही पॉइंट का नाम हो सकता है, एक से ज़्यादा का नहीं। इस राइट बाई सेक्टर में भी एक पॉइंट आ रहा है जो कि इसमें भी है और जो थर्ड वाले में भी है, यानी तीनों में अगर एक ही पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा, यानी तीनों राइट बाई सेक्टर्स एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इसके आगे लिख देंगे इधर हमने बात की कि ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए सी, आगे लिखेंगे कि बट पॉइंट ओ इज ऑल्सो ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अभी अभी बोला कि वो राइट बाई सेक्टर पे है ए सी के, लेकिन वो तो ए बी और बी सी के राइट बाई सेक्टर पे भी है, तो इसके नीचे लिखेंगे सो ओ इज ऑन द, सो ओ इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी, तीनों को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एक ही बन रहा है वो पॉइंट ओ है, और यही चीज़ थ्योरम 12.3 में प्रूव करनी थी।